हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहा मेरी बात? फिर एनसीईआरटी की एक्टिविटी डिस्कस कर देंगे सारी, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है। हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है मैं बताता हूँ। होता क्या है, जैसे आपके घर में गीजर होगा, टेस्टर होगा, होगा ना, ये सब किस पे काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। यानी आप ऑन करते हो इलेक्ट्रिसिटी और वो गीज़र गर्म होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो क्या हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी मेटल अलॉयज हैं, जितने भी मेटल अलॉय, जो भी आपका जो घर में गीज़र टोस्टर है, वो किसी न किसी अलॉय से बना, जैसे मोस्टली निक्रोमियम से बनता है, निक्रोम के वायर से। हीटिंग डिवाइस नहीं बनता है, उस तो वायर बनती है। हीटिंग डिवाइस जैसे टंगस्टन का फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, प्रेस होता है, उसमें निक्रोम की वायर होती है। तो होता क्या है कि जितने भी मेटल अलॉय हैं, मेटल अलॉय, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल, मोर देन टू मेटल। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है आई, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने, इनको बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। क्या मिलता है? ये आपस में बहुत टकराते हैं, बहुत ज़्यादा टकराते हैं। अब चूंकि मेटल अलॉय की बात खास ये है कि इनकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। आप देखो कि टेबल में जो टेबल रेसिस्टिविटी, तो उसमें देखो बीच में है वो, तो इनकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बोला ठीक नहीं होगा, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। टेबल अगर ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पर टेबल लगा देता हूँ मैं, यहीं पर टेबल होगा ये वाली, यहाँ देखोगे अगर तुम तो निक्रोम की रेजिस्टिविटी है 10^100 to the power 10^-6। कंपेयर करो सिल्वर से तो बहुत ज़्यादा है, सिल्वर से तो काफ़ी ज़्यादा है। पावर को छोड़ दो, नंबर भी देखो तो 100 है, वो कितना 1.6 है, तो 100 गुना ज़्यादा अगर हम एक्सपोनेंट को हटा दें। तो निक्रोम बना होता है किसका? निकिल का, क्रोमियम का, मैग्नीज का और आयरन का। हीटिंग डिवाइस में 99% निक्रोमियम यूज़ किया जाता है, 99, टोस्टर, गीजर, हीटर सब में आयरन। तो होता क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो मिलती है, बट ये आगे नहीं जा पाते हैं और आपस में बहुत सारा इनका कोलिजन होता है। क्या होता है? और वो कोलिजन होने की वजह से इनसे, इनकी बॉडी से बहुत सारा हीट रिलीज होता है, बहुत सारा हीट रिलीज होता है। और वही हीट आपको कंडक्टर के ऊपर मिलता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको बात को बताया था पहली बार जूल्स ने, इसलिए इसको जूल्स लॉ बोला गया। क्या बोला गया? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ने कहा कि किसी भी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के, कितना करंट पास हो रहा है उसका, कितना रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे मान लो तुमने ये ले लिया, तुमने मैग्नाइन ले लिया और निक्रोमियम ले लिया, सिंपल सी बात है, निक्रोमियम का रेजिस्टेंस देखो ज़्यादा दिख रहा है किससे, मैग्नाइन से। तो निक्रोमियम सेम अमाउंट करंट भेजो, 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर दोनों को दो, लेकिन ज़्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? निक्रोमियम। तो ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 2 घंटे के लिए गीजर चलाओ, 20 घंटे के लिए गीजर चलाओ, ज़्यादा पानी किसमें गर्म होगा? फट जाएगा 20 घंटे में, है ना। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा, जैसे रूम हीटर चला रहे हो, 1 घंटे के लिए चलाया तुमने तो गर्म हो गया, 2 घंटे के लिए और गर्म हो गया, 5 घंटे के लिए बहुत ही गर्म हो गया, कंबल की जरूरत, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन तीनों को जोड़ दिया गया इक्वेशन को, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारा आई स्क्वायर आर टी, यही है जूल्स लॉ। क्या है? जूल्स लॉ। यही क्या है? जूल्स लॉ। इसका रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट क्या क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है? गीजर टोस्टर तो बता ही दिया मैंने, अगला आपका एप्लीकेशन है, हाँ ये है कुछ, इसी पूरा पैराग्राफ है। आपके घर में एक फ्यूज वायर होता है, आप लिखा ना फ्यूज, देखियो फ्यूज वायर होता क्या है, कभी देखना किसी के बोर्ड में होगा। फ्यूज वायर में एक पतली सी वायर लगाई जाती है मेटल की, प्योर मेटल की। अब होता क्या कि इसको मेन सर्किट में हमने करंट कर दिया, अब तो MCB यूज होने लगी फिर भी, लेकिन अभी जो एक्सटेंशन वगैरह में फ्यूज दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा। जैसे ही इसका ज्यादा करंट होता है, मान लो इस पे लिखा है कि 10 एम्पीयर का फ्यूज वायर है और इसमें मान लो 11 एम्पीयर करंट हुआ, हल्का सा हुआ तो ये गर्म होगा, क्या होगा? और ये मेल्ट हो जाएगा, जैसे ही मेल्ट होगा ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आगे करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, सर्किट ब्रेक हो गया ना, आगे करंट नहीं जाएगा, तो जो आपका अप्लायंसेज है वो बच जाएगा, क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये भी किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? जूल्स लॉ या हीटिंग इफेक्ट। फ्यूज वायर कैसा दिखता है देखिए हो तुम लोग, बस ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। बड़े बड़े जगह
ऐसा छोटा सा दिखता है और बड़ा ऐसा सा होता है। हाँ, ये पे जो वायर लगी यही फ्यूज वायर है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसा ये वायर है ना बीच में। तो जब टेम्परेचर, जब करंट बढ़ता है एक लिमिट से ज़्यादा, ये जो वायर कनेक्टेड है ना, ये मेल्ट हो जाता है। जब ये मेल्ट हो जाता है तो घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। ये फ्यूज वायर है। क्या है, क्या है ये? स्कूल का होमवर्क है, फ्यूज वायर। और क्या क्या है? पहले जो एक बल्ब आते थे ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो टंगस्टन का बना होता था। किसका बना होता था? टंगस्टन का बना होता था। अब भाई साहब देख लो, टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता था आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब। उसकी वजह क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन के बनाने की? एक तो उसका हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा है और मेल्ट भी इजिली नहीं होता। कितने? 3000 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो भी मेल्ट नहीं होगा। देख रहे हो, लाल हो गया एकदम। तो होता क्या है कि जो बल्ब होती है ना, इसके अंदर भरा होता है गैस, और गैस भरा होता है नियॉन का, खासकर नोबल गैस। नोबल गैस उनको बोलते हैं जो रिएक्ट नहीं करता। अगर मान लो ऑक्सीजन भर दूं तो आग लगेगी, और ऑक्सीजन तो क्या हो गया, बूम ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर नाइट्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ऐसे गैस जो रिएक्ट ना करें, जो रिएक्ट, जिनसे हीट प्रोड्यूस ना हो। तो टंगस्टन खूब सारा हीट होता है, गर्म होता है, उसके पास ऐसे गैस होते हैं जो चमकता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, वो भी किसका काम करता है, किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे करता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ठीक है, समझ गए? ऐसा नहीं ये फ्यूज नहीं होता, ये भी फ्यूज होता है, ये भी खराब होता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो याद रखना टंगस्टन में। और कौन कौन से हो सकता है? और बस फ्यूज होता है, ये हो गया, हाँ इतना ही मेन है सारा, ये सब लिखा, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह इसी पे काम करता है। तो थ्योरेटिकली ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म। अब एक्टिविटी, हाँ ये पावर पढ़ा दिया मैंने, अब एक्टिविटी देखो कौन कौन से, दो चार एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ के बाद वाले। एक तो रेजिस्टेंस वाला है, ये वाला सर, फॉर्मूला जो था ये वाला, उसमें आई स्क्वायर का आया, वो आया था एनर्जी से। अगर तुम प्रीवियस लेक्चर देखो तो ई का एक फॉर्मूला आया था, आई स्क्वायर आर टी, वही है, एनर्जी और हीट बराबर ही होता है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। एक्टिविटी डिस्कस करते हैं हम लोग, 12.2 देखो क्या है एक्टिविटी, 12.1 ओम्स लॉ है, 1 जो है ना वो है ओम्स लॉ, डिस्कस कर दिया। याद रखना यही वाला सर्किट बनाना है पेपर में, सर पेपर में जब बनाना होगा ना तो यही वाला बनाएंगे आप, ये वाला डिस्कस करते हैं। इसमें देखो क्या समझाने की कोशिश की गई है, ऐसा एक सेटअप बनाया हमने ये वाला, जहाँ पे एक्स और वाई एक जगह है, सॉकेट है, जैसे सॉकेट है ना, यहाँ चार्जर लगा दूँ, कुछ भी लगा दो जो इस सॉकेट में आ सके, वैसे ये सॉकेट एक्स वाई। एक बार हमें निक्रोम वायर लेना है, बैटरी फिक्स है, बैटरी क्या है, मैंने मान लो बैटरी लगा दी कितनी, 10 एम्पीयर की, कितनी लगा दी 10 एम्पीयर की। मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसको क्रॉप करके निकाल लेता हूँ, बैटरी फिक्स है, बैटरी मैंने 10 एम्पीयर की लगा दी अपने पास से, इतना मेरे पास था, तो मैंने क्या किया 10 एम्पीयर की बैटरी यहाँ पे लगा दी, 10 एम्पीयर की, 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। एक बार निक्रोम का सॉकेट उठाया और यहाँ लगा दिया, निक्रोम वायर लगा दी ए पर, देखा करंट, देखा करंट जो है वो 2 एम्पीयर की रीडिंग आ रही, क्या आ रही है 2 एम्पीयर की, हटा दिया, सब सेटअप ठीक, बल्ब लगा दी, क्या लगा दिया बल्ब, देखा कि 10 एम्पीयर का करंट रीडिंग आ रही है, बढ़ रहा है, फिर हटा दिया मैंने। अब मैंने टॉर्च बल्ब लगा दी, क्या लगा दी टॉर्च बल्ब, देखा हमने 20 एम्पीयर का करंट आ रहा है, बैटरी फिक्स थी लेकिन करंट रीडिंग बार बार अलग आ रही थी। तो यहां समझ आया कि जो तीन अलग अलग सेटअप थे इनका मटेरियल अलग है, क्या है मटेरियल अलग है, तो इनका रेजिस्टेंस अलग है, और रेजिस्टेंस किसी का ज्यादा और किसी का, जिसका ज्यादा उसमें करंट कम है, जिसका कम रेजिस्टेंस उसमें करंट ज्यादा है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एक्स वाई सॉकेट है, उसमें लग लगा देना स्विच, तो यहाँ बैठा हुआ की जैसे वो है ना सॉकेट है, यहाँ पे कैमरा लगा दो, 3 पिन लगा दो, 30 वाट का लगा दो, 20 वाट का लगा दो, वही है ये बताना चाह रहा था। अगर आप इसको चेक करोगे
इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट. व्हाई व्हाई डू वी दे डिफर व्हाई डू वी दे डिफर व्हाई डू वी दे डिफर व्हाई डू वी दे अबे कैसे दिखेगा व्हाई डू वी दे डिफर. तो दे डिफर बिकॉज ऑफ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसमें करंट का फ्लो कम या ज्यादा हो रहा है. तो कम और ज्यादा हो किसके वजह से रहा है, वो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस. क्या है तो ये एक्सपेरिमेंट बताया गया किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए. किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए. पूरा पढ़ लो अगर आप देखते. सर्टन कंपोनेंट ऑफर इजी पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल अदर असिस्ट फ्लो. इनमें से कुछ ऐसे सर्किट थे जिसकी वजह से जिन्होंने करंट को बहुत आराम से पास होने दिया कि जा भाई. तो जिसने करंट को आराम से पास होने दिया वो आपके रास्ते में अड़चन नहीं ला रहा है, और आपके रास्ते में अड़चन नहीं ला रहा मतलब वो आपका रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, वो कम रेजिस्टेंस दे रहा है. खाली ट्रेन है, एक भरी ट्रेन होती है, ये खाली ट्रेन आराम से लगती है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है. वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन कंडक्टर, दे आर रेस्ट्रेन बाई अट्रैक्शन ऑफ एटम अमॉन्ग देम दे मूव. हमें ये पता कि करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से. लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्री थोड़ी ना एटम्स के अंदर. आप पढ़े थे बोहर मॉडल, दुनिया भर का मॉडल पढ़े थे. इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई ना कोई फोर्स उसको बांध के रखा हुआ है. वो फोर्स कितना बांध के रखा हुआ है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उसको पकड़ने का उतना ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा. ये भी डिपेंड करता है किस पे, कंडक्टर के मटेरियल पे. समझ गए, आगे बढ़ते हैं. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज रिटार्ड बाई रेजिस्टेंस एंड कंपोनेंट इज गिवन साइज द ऑफर लो रेजिस्टेंस आर गुड कंडक्टर. कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर. रेजिस्टर एक डिवाइस है. अब मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है रेजिस्टर. कभी घर में टूटा फूटा मदरबोर्ड मिल जाए किसी डिवाइस का तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि रजिस्टर दिखता कैसे है. देखो हर वायर का अपना रजिस्टर तो होता ही है, रेजिस्टेंस होता ही है. हम एक्सटर्नल रजिस्टर भी दे सकते हैं. तो दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, दिखाता हूँ मैं. 12th में पढ़ोगे डिटेल में, कलर कोडिंग कहते हैं, 12th में आएगा ये. ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है ये दिखे मदरबोर्ड में. मतलब हम बाहर से अपने पास से लाके दे रहे हैं रेजिस्टेंस. हमें कंडक्टर में जितना रेजिस्टेंस है उससे सेटिस्फाई नहीं है, हम चाह रहे हैं थोड़ा और मिल जाए तो हम अपने पास से देंगे. उसके लिए जो डिवाइस आता है, जो इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, कहेंगे कि सर्किट का पार्ट है, मदरबोर्ड का पार्ट है छोटा सा, वो है रजिस्टर. ऐसा दिखता है, सब होगा कुछ यार, मदरबोर्ड का डिजाइन करने का कुछ तो होगा, प्रोसेस होगा कि हमको इतना ही मेंटेन करना है ना. रजिस्टर ऐसा दिखता है, देखियो जरूर हो, ऐसा नहीं सकता, अपने लाइफ में जरूर देखे होगे. ये नहीं देखे हो ही नहीं सकता कि नहीं देखे होगे. कभी मोबाइल गफार जाना, गफार ये देखने को मिलेगा ऐसा. रजिस्टर रजिस्टेंस मेंटेन होती है सर्किट के अंदर, ठीक है. द कंपोनेंट ऑफ आइडियल साइज दैट ऑफर हायर रजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ सेम साइज ऑफर इवन हायर रजिस्टेंस. अब आते हैं सर एक्टिविटी 12.3, समझाते हैं क्या, ये भी समझिए. फिर से क्रॉप करता हूँ एक्टिविटी, इतना पार्ट सर्किट. भाई तुम लोग स्कूटी स्कूटी बहुत प्यार से चलाया करो, बहुत रफ चलाते हो. ये अरमान भी रफ चलाता है, इसकी मम्मी से मैं बात करूंगा. मैं एक दिन देखा हूँ तुमको ट्रिपलिंग करके चलाते हुए, वो भी कहाँ, वाजीराम के सामने हल्ला करते हुए. मैं वो नहीं था. तुम नहीं थे? नहीं था. तो ठीक है, नहीं थे फिर अच्छी बात है. अच्छी बात है नहीं थे ना, चलान भी कट जाएगा फालतू में. समझिए क्या सिस्टम है. देखो सेम टाइप का मटेरियल लेना है, कॉपर का वायर लेना है, किसी का भी ले लो, मैं कॉपर का ले रहा हूँ. 1, 2, 3 क्या सिचुएशन है, क्या है सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन में मैंने लेना है 1 मीटर का वायर, कितना लेना है, बात समझना. बैटरी मैं अपने पास से एक ही बार दे दिया 6 वोल्ट का. जब मैंने 1 मीटर का वायर लिया, सर्किट ऑन किया, ये अभी कनेक्टेड नहीं है, 2, 3 नहीं कनेक्टेड है, केवल पहला कनेक्टेड है. उस केस में मेरे को करंट का मिला 2 एम्पीयर का रीडिंग. क्या मिला, रफली बता रहा हूँ मैं. फिर क्या किया मैंने, उसी कॉपर को 2 का मतलब है डबल लेंथ कर दिया. इस बार मैंने 2 मीटर की वायर ले ली, मेरे को करंट की रीडिंग मिली 1 एम्पीयर. क्या हुआ पहले दूसरे वाले में, दूसरे वाले में हमने लेंथ बढ़ा दी, मटेरियल वही थी, थिकनेस भी वही थी. जैसे ही मैंने वायर की लेंथ बढ़ाई, आर बढ़ गया. क्या बढ़ गया, और आर बढ़ गया तो करंट, हाँ नहीं, लेंथ डबल हुई ना,
तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली करंट हाफ हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? अब आते हैं थ्री और फोर पे। थ्री पे देखो, कह रहा है थ्री में लेंथ नहीं बढ़ाएंगे हम, लेंथ वही रहने देंगे, एरिया बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? देखो मोटा वायर है, तब मैंने जब सर्किट, ये हो गया फर्स्ट के लिए रीडिंग, ये हो गया सेकंड के लिए रीडिंग, सेकंड केस के लिए, थर्ड के लिए रीडिंग देखना। जैसे ही मैंने ये लगाया तो मेरे को करंट मिल गया 4 एम्पीयर। क्या मिल गया? ये तो बढ़ गया। क्यों हो गया? क्योंकि आर और ये आपस में इनवर्सली रिलेशन होते हैं। आर और एरिया, एरिया हाफ करोगे तो हाँ, और एरिया बढ़ा दोगे, डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगा। तो दो का क्या हो गया? 4 एम्पीयर। अब आते हैं चौथा केस। चौथा किस लिए है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मटेरियल के लिए तो नहीं है, पता नहीं चौथा किस लिए है, फोर्थ है। हाँ, कह रहा है कि फोर्थ में ना, अच्छा अभी तक जो फंक्शन परफॉर्म हुआ 1, 2, 3 तक, वो निक्रोम वायर के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? कह रहा है काम करो कि फर्स्ट और फर्स्ट कंडीशन और फोर्थ को कंपेयर करो। फोर्थ वाले में फर्स्ट वाला निक्रोम वायर का था, फर्स्ट वाला निक्रोम वायर का है, मैंने कॉपर लिया कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाला निक्रोम वायर का बना था, ठीक है, मतलब एलॉय, और चौथा वाला प्योर है कॉपर। क्या है? लेंथ सेम है, चौड़ाई लंबाई सब सेम है, बैटरी भी सेम है, लेकिन जब हमने करंट नापा, सब कुछ सेम था, करंट नापा बैटरी, तो निक्रोम वाले में 1 एम्पेयर आया और कॉपर वाले में आ गया 10 एम्पेयर। मान लो ऐसा क्यों हो गया सर, सब कुछ तो सेम था। तो ये समझ आया कि निक्रोम में रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू समझ आया एक्टिविटी। तो ये थी आपकी 12.3। इसके अलावा ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जो डिस्कस करना है, ये भी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। पहला तो होम्स लॉ हो गया, वो तो बता दिया था, पढ़ा दिया था मैंने, फिर भी सुन लो एक बार और देख लो होम्स लॉ। एक्सप्लेन द होम्स लॉ एक्टिवली। इसके ये क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का टॉपिक है। फैक्टर्स नहीं हो रहे, लेंथ बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा, मटेरियल चेंज हो रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर करना। इसमें देखो ओम्स ने क्या काम किया, एक सर्किट बनाई कुछ ऐसा। इसमें अगर बहुत ध्यान से देखो, केवल सर्किट क्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये सर्किट आपको पेपर में बनानी है, टू द पॉइंट यही बनानी है। थोड़ा भी दिमाग लगाए नंबर खोदोगे, टॉपर की लिस्ट में नहीं रहोगे, सिंपल। आपको अगर अच्छे मार्क्स पाने तो यही वाली सर्किट बनानी है। इसमें जो ऊपर तुम देखो ना डॉटेड वाला लाइन, इसका ये मतलब है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। पहली बार उसने केवल 5 वोल्ट का लगाया, फर्स्ट टाइम। डॉट का मतलब बार बार करंट कर रहा है, 5 वोल्ट का लगाया। तो चूंकि मेरे को आंसर याद है इसलिए मतलब एक तरीका पता क्या होता, मैंने पहले 5 वोल्ट का लगाया। क्या लगाया? 5 वोल्ट का। यहाँ पे ये रीडिंग भी काटनी पड़ेगी क्या मेरे को? काट लेते हैं, चलो। ये टेबल काट लीजिए, काट लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करता हूँ मैं। ये रीडिंग यहाँ रख लेते हैं, इसको हम बहुत फिल करेंगे, समझिएगा मेरी बात। सबसे पहले मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, 5 वोल्ट की, ठीक है, इसलिए एक है। डबल करूंगा तो ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 10 वोल्ट का हो जाएगा, है ना, 10 वोल्ट का हो जाएगा। ले जाओ जी, ठीक है, ओके। हाँ देखो, पहले एक सेल लगाया, रिमोट में लगाते हैं ना, पहले एक सेल लगाया, एक सेल और लगा दिया तो 5 5 कितना हो गया, एक सेल और लगाया 10 सेल, अब 15, फिर 20, बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहा। जब 5 पे लगाया तो करंट आया 1 एम्पेयर, इस पे आया 2 एम्पेयर, इस पे आया 3 एम्पेयर, इस पे आया 4 एम्पेयर। इनको डिवाइड किया वी अपॉन आई, 5 आया, हर बार क्या आ रहा है? ये क्या जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसी को क्या बोल दिया गया? तब नहीं काम करेगा, ये तो कंडीशन है, बैटरी सेम अमाउंट में चेंज करना है। तो फिर ओम्स वैलिड नहीं होगा, ग्राफ बी ये नहीं मिलेगा, ओम्स इनवैलिड हो जाएगा। ओम्स का एज्यूम क्या है कि एक तो बैटरी जो भी लगा, मतलब 5 का 3 का लगा रहे हो तो 3, 6, 9 ऐसे, 20 का लगा रहे हो 20, मल्टीपल सेम होना चाहिए। अगर आप एक बार 5 का लगाया, फिर 12 का लगा दिया, फिर 3 का लगा दिया, फिर 2 का लगा दिया, तो ओम्स वैलिड नहीं है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि जितना वी बढ़ाओगे उतना ही आई बढ़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा, तभी आपको स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली है? जर्मन फिजिशियन जॉर्ज साइमन ओम्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1854 में, तो मर गए थे, तो बहुत पहले किया होगा उन्होंने, है ना, बहुत पुरानी एक्टिविटी है। तो ये तो था सर इलेक्ट्रिसिटी।
प्लॉट करेंगे ना, इसको प्लॉट करो, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका स्लोप बनाओगे जब एक ग्राफ का, इसको कट करते हैं, इसको भी लेते हैं, मान लो इसकी रीडिंग ले लेता हूं मैं, इसको क्रॉप करते हैं, तब तो दिक्कत है, कर्व्ड है तो फिर तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो गया वो, है ना, एरर आ गया उसमें। स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इसका स्लोप जो देगा वो देगा रेजिस्टेंस, क्या देगा, और कैसे निकालेंगे स्लोप, कोई भी पॉइंट ले लेना, फॉर एग्जांपल तुमने ये वाला पॉइंट ले लिया, यहां से डरना परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ करना, तो परपेंडिकुलर आएगा इससे वाई समथिंग आएगा रीडिंग, और ये पूरा बेस क्या, तो वाई अपॉन एक्स आपको दे देगा रेजिस्टेंस, क्या देगा, जैसे एग्जैक्ट नहीं है मालूम, मैं लेता हूं 0.4 और ये लेता हूं मैं 1.2, ऐसे रफली लेता हूं मैं, तो आप क्या करोगे 1.2 अपॉन 0.4 ये आपको रेजिस्टेंस दे देगा, क्या देगा, इसको बोलते हैं टेन थीटा, ये होता है थीटा, क्या होता है टेन थीटा, तो जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही आपको रेजिस्टेंस देता है, किसी पॉइंट लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, हर जगह पर रेजिस्टेंस आपको सेम मिलेगा, ये है वीआई ग्राफ। और मान लो अगर आपको ऐसा देखने को मिले, कभी कभी ऐसा मिलेगा क्वेश्चन सर्किट में, अरे एमसीक्यू मिलेगा या सॉल्व कर, बाजी समझ नहीं आ रहा ना तुमको, समझ आ रहा है अर्निक केविन, हाँ देखो अगर ऐसे मिला है लाइन, मान लो ऐसे मिल रहा है लाइन, हाँ जी आज क्या कर रहा होगे? तुम्हारा डाउट, अच्छा, डाउट डाउट, देविक बैठो आओ, कहाँ जा रहे हो, बैठो आओ, आओ आओ प्रैक्टिस करो, कहाँ जाओगे घर, डाउट लेके चली जाऊंगी, हाँ ठीक है, देख बैठो बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, बैठो बैठो रहो, प्रैक्टिस करो, ये ले लो किताब, मैं दे रहा हूँ ना, लो लो ना, फिर आएगा घंटे बाद ही पता है, चलो समझना, ये तीन अलग अलग दिया, ये R1, ये R2 और ये आपको बताना कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो आप थीटा देखोगे, थीटा वन थीटा टू, कौन बड़ा है भाई, थीटा थ्री ग्रेटर देन, ऐसे है ना ऑर्डर, बस यही ऑर्डर हो जाएगा इसका भी, सिंपल, ठीक है, याद रहेगा ये, इस चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में खत्म किया, अब हम करेंगे इसके बैक साइड के क्वेश्चंस, बीच वाले भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहां से करते हैं ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, बड़ा ध्यान से पढ़ो, आपको वी आई और रीडिंग दी है ना, वी और आई की, देखो ध्यान से रीडिंग दी हुई है, सेवेंथ क्वेश्चन, ग्राफ प्लॉट करना है और रेजिस्टेंस निकालना, क्या निकालना, हो जाएगा, हम क्या करेंगे, कोई ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उससे पहले बता रहे हैं, मान लो बिना ग्राफ पे प्लॉट करो अगर नहीं करना, या कर भी लेंगे, कोई दो रीडिंग ले लेना, कोई भी कॉन्जुगेटिव दो रीडिंग, क्या हो गया अरमान, ठीक हो, थकान, शरीर में दर्द, गुदगुदाहट से, फटफटाहट से, मन में गुदगुदाहट से, अरे अरमान अरमान है हमारा, समझिएगा, कोई दो इनपुट रीडिंग ले लेंगे, ठीक है, कोई कॉन्सिक्यूटिव इनपुट ले लेंगे, ये ले लिया, कोई भी दो बैक टू बैक वाले, बैक टू, तो पहला वाला ये हो जाएगा आपका I1, ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा V2, R निकालने के लिए कुछ नहीं, V2 माइनस, बात समझ गए, ऐसा नहीं कि हम एक से नहीं कर सकते, हम एक से भी कर सकते हैं, केवल एक लो P अपन V अपन I, बट मोर एक्यूरेट आंसर के लिए हमें दो दो इनपुट लेना पड़ेगा, कोई भी दो बना लो जो आपकी संतुष्टि हो, बट दो का जरूर पेयर बनाना, ग्राफ भी प्लॉट करना तो भी दो का पेयर बनाना, वहां से हो जाएगा ये, ठीक है, तो V2 कितना है सर, हाँ ग्राफ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो V2 कितना है सर 10.2, V1 कितना है 6.7, I2 कितना है 3.0, I1 कितना है 2.0, इसको सॉल्व कर देना, यही आपका आंसर है ओम, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, देखो टेंथ तो मैंने बता दिया था, वर्कशीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ तो जाने हैं, तब देखेंगे तुम्हारा दिमाग कितना काम कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, कट पेस्ट करते हैं, देखो मैं बताऊं तुमको, फिजिक्स खत्म हो गई 10th की,
टेंथ की फिजिक्स खत्म, 25 नंबर की फिजिक्स होती है ना, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है ह्यूमन आई, पूरा थ्योरी है, दो क्लास में खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिज्म एक क्लास में खत्म होगी, सिलेबस हम खत्म करने वाले हैं। बचा बायो, बायो लेगा टाइम क्योंकि उसके बड़े टॉपिक है, रिप्रोडक्शन बड़ा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बड़ा टॉपिक है। एक दिन पाँच नंबर का है, लेकिन नंबर आते हैं उससे फ्री के मिलते हैं। पाँच नंबर कब होता है फ्री के मिल गया, थोड़ा बहुत पढ़ लो हो जाएगा। देखो सर, इसमें पजल है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 6 ओम के रेजिस्टेंस दिए गए, कितने दिए गए पता नहीं, तीन दिया गया पता तो है, तीन रेजिस्टेंस दिए गए, तीन 6 ओम। आपको ऐसे करंट करना है कि एक बार टोटल 9 ओम मिले और एक बार मिले, तो अगर तुमने तीनों को सीरीज में किया तब तो 18 हो गए, तीनों को पैरेलल में किया तो 6/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो 2 ओम हो जाएगा, तो ये तो नहीं करेंगे। तो काम करो, पॉसिबिलिटी सोचो, दो को सीरीज में करो तो 6 और 6 हो गया 12, और एक को कर दो पैरेलल में, ठीक है, सोचना है। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 6, तो 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम कितना होगा 12, 1+2 3/12, 1/4 तो कितना आ गया 4 ओम। तो जो 4 ओम है वो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, दो को सीरीज में करोगे और उन एक को करोगे पैरेलल। अभी बचा 9 वाला, वो क्या करोगे, दो पैरेलल एक सीरीज। इससे साबित होता है कि संस्कार का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, मजाक नहीं कर रहा मैं, तुम सच में तेज हो, तुम वैसे नहीं कह रहा हूँ, जितना तेज सोचे हो ना ये सोच नहीं पाते मैं जब से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, या तो तुम्हें आंसर पता पहले से, ठीक है। तो 6 और 6 और ये 6, इसका कितना हो जाएगा 3, कितना जाएगा, और ये 6 कितना हो गया 9। अगर तुमने इतना तेज सोचा इसका मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प है, इन दोनों का तो नहीं पता लेकिन हाँ इन दोनों का भी है, ये सब बोलना नहीं है, ये सब नहीं बोलना है, सीख रहा हूँ मैं। नहीं, ये सच में क्वेश्चन 11th वाले बच्चे ना नहीं कर पाते हैं, मैंने जितने बच्चे पढ़ाए ना जब तक सोल्यूशन नहीं देखेंगे, एक बार जब करा दूंगा तब कर लेंगे, बट अब आप तो समझ गए ना, अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे टारगेट, ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो सोचो कैसे करेंगे इसको, 12 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वॉट होता है पावर का यूनिट, मैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन दैट लिखते हैं, समझिए क्वेश्चन नंबर 12। सर एक इसका होता है एम्पीयर करंट का, आई का, आई का, आई का, सुनो, लिखा सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट, हाउ मेनी लैम्प कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, ये करा चुके शायद पता नहीं करा, ईच अदर ऑफ टू वायर ऑफ 220 वोल्ट सो दैट मैक्सिमम करंट थ्रू इज 5 एम्पीयर। अब बच्चे एक बात समझना बेटा, आपको बहुत सारे बल्ब कैसे करंट करने हैं, पैरेलल करंट करने हैं, ये वीडियो में है, अभी देख रहा था अरमान मेरे को दिखा रहा था, आपको बहुत सारे बल्ब पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, ठीक है, और ऐसे करंट करने हैं कि इस पूरे में से जो करंट जाए वो जाए कितना 5 एम्पीयर, कितना जाए, तो आपको बताने कितने बल्ब हो सकते हैं, कितने, और शायद एक का पावर 10 वॉट है ना, एक का पावर 10 वॉट है, और देखो इसमें ना रेजिस्टेंस सेम होता है तो 220 वोल्ट होगा सबका, बोलो है ना, सबके पास 220 होगा, सबके पास 220/9। अच्छा एक बात बताओ, P और V से रेजिस्टेंस आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 220/N तो बाद में रखेंगे, P का फॉर्मूला होता है V²/R, है ना, V²/R, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P, तो V स्क्वायर कितना, मतलब 220 × 220/10/10, तो कट गया तो कितना हो जाएगा ये 22 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताना,
फोर तो हो जाएगा फोर, 484 आ रहा है, 484. तो 484 जीरो ओम. एक रेजिस्टेंस जो है ना वो 484 इतना बड़ा है, एक जो है वो है 4840 ओम का. और कितने हैं एन, कितने हैं, तो जो आर टोटल होगा ना वो कितना होगा 484 अपॉन एन. अभी भी एन थोड़ी पता चला, मैं एन निकालना है ना, गड़बड़ा आ गया ना, कैलकुलेटर करना पड़ेगा. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, गड़बड़ हो गया, बताना थोड़ा. तो फोर एट फोर जीरो बेटा 48 40 अपॉन एन. अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हो गया. सुनो मेरी बात तो सुनो. अब ओम्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ करंट के लिए. तो होता है V इज इक्वल टू आई इन टू आर. पैरलर में V जो होता है वो सेम होता है पूरे सर्किट में, कहीं पे भी चेक कर लो तो पूरे सर्किट में सेम होता है. 220 होगा, कितना होगा करंट, 5 एम्पीयर है सर्किट का, पूरा सर्किट का बोला 5 एम्पीयर है. और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 4840 अपॉन एन. अब तो आ जाएगा, हो गया सॉल्व. ये लगभग कितना, 22 या 44 ऐसे कुछ करके आता, सॉल्व कर लेना फटाफट करके बताओ आंसर कितना है. एन की वैल्यू बताओ, ये एन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, है ना, बताओ ना कितना आ रहा आंसर, बताओ कितना आ रहा आंसर, बताओ आंसर. आंसर जरूरी है भैया, आंसर बहुत जरूरी है. हीट वाले भी करा देते हैं, खाना खिला दे. क्वेश्चन नंबर 17 हीट वाले पे. सोलह वाला भी हो जाएगा, 70 वाला देखो. देखो 17 में क्या है बताता हूँ मैं. एक कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम और करंट है 5 एम्पीयर और वो 2 घंटे के लिए चल रहा है. कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए. कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर. देखो जब भी रेट पूछेगा तो हमें एच बाई टी निकालना होता है, एच बाई टी निकालना होता है. बट केवल अगर हीट निकालना हो तो हीट हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी. तो आई स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 8 into 2, ये आंसर आएगा जूल में. क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए, रेट पूछा, रेट मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर दो. इसके लिए तो कुछ नहीं करना, एच बाई टी कर देना. क्या करना है, तो आई स्क्वायर आर, तो केवल ये दो वैल्यू रखना है, ये दोनों आंसर आ जाएगा. घंटा टाइम मत रखना, रेट पूछा है ना. हाँ रेट पूछा है ना. हाँ अब आते हैं कौन सी वैल्यू, 17 हो गया ना रेट के लिए. वैसे तो जूल निकालना तो इससे हो जाएगा, केवल हीट पूछे तो. अब कौन सा करोगे, पूछ पे ज्यादातर हीट ही पूछेगा. ये कर लो सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. देखो एनसीईआरटी करना जरूरी है ना, वो वाला नहीं है, इसमें रेसिस्टिविटी वाला कुछ किस्सा है ना. बाकी हैंडआउट सारा खत्म कर लो, जितना भी ग्रुप पे अपलोड किया मैंने सब का सब, नहीं तो दिक्कत है फिर टेस्ट होने वाले हैं. एक कॉपर वायर है जिसकी डायामीटर है 0.5 mm, है ना,
रेसिस्टिविटी है आपकी 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम, इसमें एरिया नहीं है ना, तो पहले तो यहाँ रेडियस बना लो, रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, 0.25 mm, यानी कि 0.25 × 10⁻³ मीटर, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 × 0.25 × 10⁻³, अरे मीटर में कन्वर्ट करना है mm से। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम क्या, तो सबसे पहले तो लेंथ निकालो फर्स्ट पार्ट में, पहला पार्ट हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल, वो तो हम बाद में निकालेंगे सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में हम लेंथ निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे लेंथ। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डायमीटर को हमने डबल करके 2D कर दिया, तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, सब कुछ यही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा कभी भी, क्या कर रहा है भाई, ये नहीं चेंज हो रहा है, लेंथ भी जो हम निकालेंगे वो नहीं चेंज होगा, मतलब 1 मीटर आ रही है। अब डायमीटर जब चेंज होगा ना तो क्या चेंज होगा, एरिया, तो नया एरिया आएगा, तो आप पुट करोगे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए में, मान लो लेंथ आ चुका 10 मीटर, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, रो दिया हुआ है और ए नया रख लो, तो नया रेजिस्टेंस आ गया, मान लो जो भी आएगा तो या तो डबल होगा, हाफ होगा, चार गुना होगा, ऐसा कुछ होगा, रो 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 पढ़ो सॉल्व करो इसको।